यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो वह था बस सोना। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहां से हूं, मेरे पास तो यह थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतुष्टि नहीं है, और कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से छू लूं वह सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को भी छूओगे वही सोने की हो जाएगी, अब तो खुश हो ना। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। फिर एक मेज को छुआ, वह मेज भी सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छू लिए। सब सोने के होते चले गए। सब कुछ चमचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। उसे बहुत प्यास लगी थी और भूख भी लग गई थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब कुछ सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी दोनों सोने के हो गए। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे। उसे बहुत भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। वह रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री वहां खेलते हुए आ गई। अपने पिता को रोते हुए देख वह पिता की गोद में चढ़कर उनके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहां थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि वह उसे गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को उस पर दया आ गई। फिर वह वहां प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने कहा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया हूँ कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, लेकिन एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने उसे एक कटोरे में जल भर कर दिया और कहा, इसे सब चीजों पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल सबसे पहले अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। अब मिदास ने चैन की सांस ली और सदा सदा के लिए सोने के लोभ को छोड़ दिया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।